आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के कार्यालय के सामने मंगलवार को सैकड़ों की तादाद में महिलाएं जमा हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के विधानसभा क्षेत्र में एक अफवाह फैल गई थी कि इस अफवाह में कहा गया था कि पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया गरीब परिवारों को 2,000 रुपए बांट रहे हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड लेकर उनके कार्यालय पहुंच जाएं। इस पर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में महिलाएं लखन घनघोरिया के कार्यालय के सामने जमा होना शुरू हो गई और कुछ ही देर में वहां सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की भीड़ ने लखन घनघोरिया के कार्यालय को घेर लिया। बड़ी तादाद में महिलाओं को सामने देखकर पूर्व मंत्री के स्टाफ ने तुरंत पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी। इधर पूर्व मंत्री के स्टाफ ने महिलाओं को समझाने का भी प्रयास किया कि गरीबों को पैसा बांटने की कोई योजना नहीं है और न ही पूर्व मंत्री इस तरह से कोई रकम बांट रहे हैं, लेकिन स्टाफ के द्वारा सफाई दिए जाने से महिलाएं नाराज हो गईं। उन्हें लगा कि शायद पूर्व मंत्री का स्टाफ झूठ बोल रहा है। सर, हम लोग को यहाँ बुलाया गया था कि हम लोग को सरकारी तरफ से कुछ पैसों की मदद हो जाएगी। हम लोग यही बात सुन के आए कि पैसों की मदद हो जाएगी, सरकार देगी पैसे। उसके बाद बुलाने के बाद यहाँ कोई ना जो कागज़ लिया जा रहा ना कुछ लिया जा रहा, बोले जाओ जाओ जाओ। ये कोई तरीका नहीं है जनता को परेशान करना। अगर नहीं करना तो बुला नहीं मत था, नहीं शोर मचाना था कि पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। सर, यही की तो सूचना मिली कि लखन भैया बांट रहे। अब एक जन को खबर दी, बाकी पूरे मोहल्ले में खबर होगी। जनता यही तो चाहती है कि कुछ मिले और फायदा उठाए उसका। हमारा नाम वंदना है। इस पर महिलाएं अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही देर में भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निवेदन भी किया, लेकिन महिलाएं जिला प्रशासन के अधिकारियों से ही उलझ गई। बताया गया कि जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तब पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने स्पीकर के माध्यम से महिलाओं को तुरंत क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया और बलपूर्वक महिलाओं से पूर्व मंत्री के कार्यालय के सामने का पूरा इलाका खाली करा लिया गया और महिलाओं को अपने अपने घर वापस जाने की समझाइश दी गई। ये पूर्व क्षेत्र के विधायक श्री घनघोरिया जी के शासकीय आवास पर जो है महिलाएं बहुत अधिक संख्या में एकत्रित हो गई थी। ये सूचना मिलने पर कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं हुआ हो रहा है और उस सूचना पे तत्काल मैं और थाना प्रभारी जो बेलबाग और उनके सहयोगी जो है आए और सभी को उनके घर तक पहुंचा दिया गया है ताकि सामाजिक दूरी का बनी रहे और कोरोना संक्रमण से लोगों का बचाव हो सके।